अभी हम जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट डोडा में हैं। लगातार पिछले 3 दिन से बारिशें हो रही हैं और इन बारिशों से बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। इससे पहले हमने आपको रामबन की स्टोरी दिखाई थी, किस तरीके से रामबन में जो है ज़मीन सीख हो रही है, और उसके बाद अब हम आपको डिस्ट्रिक्ट डोडा के पुलडोडा की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर 3 मकान इसकी आड़ में आए हुए हैं जो लगातार बारिशें हो रही हैं। बारिशों की वजह से 3 ऐसे फैमिलीज का घर उजड़ गया है। आप जानते हैं कि जब इंसान मकान बनाता है उसमें कितनी मेहनत और मुशक्कत करता है इंसान, एक एक पैसा जोड़ के वो अपना आशियाना खड़ा करता है। जब आशियाना उजड़ता है तो उसकी दर्द और तकलीफ उसको पता होती है जिसका आशियाना उजड़ा हुआ होता है। ये सब तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ग्राउंड जीरो से। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 3 घर उजड़े हुए हैं, 3 ऐसी फैमिलीज हैं जो बेघर हो गई है। अब इनको रहने के लिए शेड दिया हुआ है। 3 फैमिलीज यहाँ पर रहा करती थी। जब हमने ये नज़ारा यहाँ पर देखा तो हमारी आंखों से आंसू आ रहे हैं, क्योंकि हम इस दर्द को बखूबी जानते हैं, क्योंकि मैंने ऐसी बहुत सारी स्टोरियाँ कवर की हैं जिन स्टोरियों में मैं समझ सकता हूँ जब इंसान का घर उजड़ता है तो क्या होता है। आंटी से मुलाकात हुई है हमारी, उनसे जो है जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। जब हम यहाँ पर आए तो ये मायूस थी आंटी। आंटी जो है वो सराजी में बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये उर्दू नहीं बता सकती हैं, ये सराजी में बात करती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग इनकी बात को जो है समझोगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। जितनी ये वीडियो शेयर होगी उतनी इन लोगों के लिए अहम ज़रूरी है, उतना इन लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हेल्प होगी। आंटी जी, आपका नाम क्या है? गिल्लू देवी। आप कहाँ के रहने वाले हो? क्रैनी। यहीं पे होते हो आप? हाँ, बस मंडल से। तो आप मुझे बताइए कितने रहे जो बारिश की वजह से? 5 घर है। हाँ, 5 फैमिली से। वो कहाँ पे है? मैंने 2 बातें जम्मू 122 नहीं, जो इन घरों में रहते हैं वो कहाँ है? बस ये टेंट ही मोबाइल, ये टेंट में है। तो ये ना यात्रा में तो पी थी उड़ चल गए छो पर बार फिर लगी मशीन तो लगी दर्दी देते हैं गर्मी तो लगी तना छत्ती हलानी लगी पूरी तो कटाई लगी तो बस चले। तो आप क्या चाहते हो? ऐसा बच्चे को घर बना और क्यों? मामा इस घर में था वो कहाँ रखा? बस इल्लिया रे शादी में हम तेरे देरी में बेदी के उसे जगाई ने माल को उसको बचा। तो ये हमने बात करने की जो है ये कोशिश की है। इनका ये कहना है कि 3 दिन से यहाँ पर बारिश लगी हुई है, उसका भी कारण है, और मेन कारण जो यहाँ पे है लगातार आप जो देख रहे हैं यहाँ पर काम जो चल रहा है कंपनीज की तरफ से, जो फ्लाईओवर बन रहा है उसके चलते इसमें जो है मशीनें लगाई गई, उनकी वजह से कहीं ना कहीं ये घर इस आड़ में आ गए हैं। उसके बाद जब बारिश पड़ी और वो घर जो है तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक, खास तौर पर LG मनोज सिन्हा तक ये बात पहुंचे और इन लोगों की तरफ ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दी जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग देखते रहे स्टोरी टाइम्स। हेमलाल शर्मा। कारण इसका यही है जी, नीचे कटाई की इन्होंने सड़क की, तो सड़क की कटाई जब इन्होंने पूरी कर दी तो ये खड्डा बहुत गहरा बना, बारिश 3 दिन लगातार रह गई तो जिसकी वजह से ये सारा गिर गया और उसके साथ इसके 3-4 मकान भी नीचे ढह गए, जिसका कोई अब इसका ऐसा सोर्स भी कोई नहीं है कि ये करे क्या, माल को कहाँ डाले, खुद कहाँ रहे, बच्चों को कहाँ रखे। बारिश का ये हालात है ना, इसके पास इतनी ही जगह थी जो ये सारी गिर गई, अब ये कहाँ जाएगा। तो आप किस तरीके से देखते हैं घर बनाने में काफी वक्त बीतता है, उसके बाद जब इतना नुकसान होता है तो कैसे देखते हैं? जनाब ये तो हर आदमी इस चीज को देख रहा है कि एक मकान बनाते सारी जिंदगी खत्म हो जाती है, तो जिसके बने हुए मकान सारे खत्म हो गए ये मकान कैसे बना सकता है? इसके बारे में मैं कहता हूँ किसी इसके लिए गौर करना चाहिए, इसके बारे में कोई इंसाफ करना चाहिए। गरीब आदमी है, कोई मुलाजमत नहीं है इसकी, कोई किच नहीं है, एक जमींदार आदमी सारी उम्र का बना बनाया सारा मिट्टी में मिल गया, इसके बारे में गौर किया जाए। अजय शर्मा। ये सब तो रोड की वजह से हुआ है, कटाई दे दी उन्होंने फिर छोड़ दिया, तो बारिश के कारण 3 दिन लगातार बारिश हो रही है जिसके कारण तो पूरा मकान 3-4 मकान हमारे गिर गए। ये लकड़ियाँ इतनी इकट्ठी की थी वो सारी नीचे चले गए, इतने पेड़ शेड फल फ्रूट के इतने पेड़ थे वो सब, और उन सब वो सब उन्होंने लिखे भी नहीं है ना नापे ना कुछ, और इतने घर चले गए। एक घर बनाने में इतना टाइम लगता है, और हमारे पापा तो कुछ काम भी नहीं करते, ना कोई मुलाजिम है ना कुछ गरीब है, और हमारी सारी ज़मीन चला गई। तो मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि एक बार आके उनको देखना चाहिए
कि क्या सिस्टम है क्या नहीं, पूरा एक बार देख लेंगे तो उसके बाद उन्हें पता लगेगा कि कैसे रहेंगे ये क्या करेंगे। तो अभी आपकी किस तरीके की हेल्प की गई है यहाँ? हेल्प तो फिलहाल यही की गई है कि उन्होंने शेड दे दिए हैं दो रहने के लिए, जिसमें माल मवेशी रखे हैं एक में, और एक में खुद गुजारा कर रहे हैं जैसे तैसे करके। लेकिन अभी इसका भी पता नहीं और कितना लैंडस्लाइड होगा, क्योंकि एक बार उनको देखना चाहिए आके कि अभी उनका क्या हाल है क्या कुछ। तो हम तो इतनी बार 3-4 बार चले गए DC के पास, NHL DC के पास, लेकिन वो तो यही कह रहे हैं कि हाँ अगले महीने आ जाएगी आपकी पेमेंट, 1 महीने 2 महीने ऐसे ऐसे करते, 1 साल हो गया और अभी तक तो कुछ नहीं मिला। तो अब DC साहब से यही दस बार कि वो कुछ करें।